नाम है यार, और यहाँ पर हमारे सरदार जी आ गए हैं। तो चलिए मैच को स्टार्ट करते हैं। तो एक ही मोड है यहाँ पर, बाकी मोड लॉग है कैंपेन। तो यहाँ पर देखो यार, कुछ स्टोरी मोड टाइप आपको सुनने को आएगा। तो चलो सबसे पहले सुनते हैं कि भाई ये लोग कहना क्या चाहते हैं। दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर, भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए, वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिन बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा, वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। तो गाइस यार, ये तो काफी कमाल का इंट्रो था यार, बहुत सही लगा मेरे को। तो यहाँ पर मेरे समझ में इतना आया कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है, और यहाँ पर हमारा एक सोल्जर, और मैं अगर देखो रिस्पेक्ट से नहीं बोल रहा हूँ तो भाई मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, शायद मेरे शब्द इधर उधर हो जाएं, बट दिल से यार रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनमें से एक सोल्जर रहेगा जो हमारा कैरेक्टर रहेगा, और उनको जो बाकी के दुश्मन हैं उनके कैंप में घुसना है और अपने जो सिपाही हैं उनको वापस लाना है और यूनाइट करना है। यही है इस गेम का जो टारगेट है, जो एम है, जो मिशन है, जो पूरा इस गेम का कॉन्सेप्ट है, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी बात मैंने नोटिस करी कि हिंदू मुस्लिम सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं, जैसा कि हमारी इंडियन आर्मी है उसमें सारे के सारे रिलीजन के लोग हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करी गई है उनका नाम लेके। सो यहाँ पर यार काफ़ी प्यारा इंट्रो था। अब देखते हैं कि यार गेम इतना प्यारा है या फिर नहीं है। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गेम में आगे क्या है। सो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है। एक जॉयस्टिक दिखाई देगी आपको जो कि आपको मूव करनी है, और स्टार्टिंग में आपको बता रहा है कि कैसे कैसे खेलना है, और एम करने के लिए राइट वाली जो स्क्रीन है उसको थंब से स्वाइप करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको मार्क भी दिखाई दे रहा है, और सामने शायद दुश्मन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर फायर का बटन जो है उससे पंच मारेगा। ओके, यहाँ पर गन नहीं है। तो यहाँ पर देखो यार, म्यूजिक काफ़ी तगड़ा है यार, बहुत ही तगड़ा मेरे को लग रहा है। सो यहाँ पर देखो यार, इन दोनों को कैसे निपटाता हूँ भाई। आजा आजा, इंडियन आर्मी से पंगा लेगा, नुबड़े आजा। तो यार यहाँ पर एक और बटन दी गई है जो कि शायद डिफेंड करने के लिए है ना, तो उसको दबा के देख रहा हूँ तो यार डिफेंड कर रहे हैं, मतलब बंदे अगर एग्रेसिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग डिफेंड भी कर सकते हो। और पहले तो यार इसको निपटाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इसने मुक्का मार दिया। सो यहाँ पर यार ये निपट गया, और काफ़ी कमाल की म्यूजिक बज रही है बैकग्राउंड में। खैर, मार्कर सामने की तरफ आ रहा है और वहाँ पर चल के देखते हैं। यहाँ पर एक टेंट लगा है और हीलिंग मेरी खत्म हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ से अगर हम लोग इस आग की जो ताप है उसको लेंगे तो शायद हमारी हीलिंग कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पर चलते हैं यार, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर क्लोज आ गया हूँ, एक मार्कर आया उस पर मैंने अगर क्लिक करा तो देख रहे हो हीलिंग मेरी बढ़ रही है, ठीक है। ऊपर देखो लेफ्ट साइड में कोने में मेरी जो HP है वो फुल हो रही है। और एक और चीज़ है यार, वो टाइमर भी लगा है, तो इतने टाइम के अंदर ही हम लोग को सबको निपटाना है और अपने जो जवान है उनको वापस लेके जाना है। और गाइज यार देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ खेलते टाइम ना, मतलब इंडियन आर्मी से इसका लेना देना मत रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमारे जो जवान है ना यार बहुत बहादुर हैं, ठीक है। और इस गेम से उसका बिल्कुल भी लेना देना मत रखना, भले ही डेवलपर ने इंडियन आर्मी बोल के रखा है या फिर नहीं, बट इंडियन आर्मी से इस गेम को कंपेयर मत करना भाई। हमारी जो आर्मी है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है और ये गेम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग रखना। वैसे गाइस यार, यहाँ पर ग्राफिक्स में कुछ हाई करने की कोशिश करता हूँ बट हो नहीं रहा है,
खैर शायद अपडेट में हो जाए। बाकी यार सेंसिटिविटी मैं कुछ हाई कर देता हूँ, बिकॉज यार मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा मेरे को स्क्रीन स्वाइप करना पड़ रहा है, और जायरोस्कोप वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, तो धीरे धीरे गेम इंप्रूव होगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो यार यहाँ पर एक और चेक पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आता हूँ। अब शायद यहाँ पर मेरे को वेपन मिला है, ओके सो हाथ में वेपन आ जा भाई। अच्छा शायद बटन पे क्लिक करने के बाद वेपन आएगा, और वेपन से हम लोग बंदों को निपटा सकते हैं, ठीक है। तो वेपन ले लेते हैं, सामने की तरफ बंदे आने ही वाले हैं, और आ गए शायद, ओके ठीक है। चलो यार इनको फटाफट निपटाते हैं। तो यार ये तो हो रही थी मेरी ट्रेनिंग, अब यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, मतलब मैं समझ चुका हूँ कि गेम कैसा है। और यहाँ पर मेरे को एक हथियार मिला है जिसका नाम है ललकार। ओ भाई साहब, सारे के सारे इंडियन नेम, वैसे यार जितने भी गेम खेले सब में इंग्लिश नाम रहता है, इंडियन नाम आ रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे गाइज यहाँ पर अब असली मैच स्टार्ट होता है, और यहाँ पर हथियार वगैरह सबसे लैस हूँ, सामने बंदे हैं उनको निपटाते हैं फटाफट। तो यार यहाँ पर कमाल की भाई, कमाल की इन बंदों को निपटा दिया। वैसे गाइस यहाँ पर गन अगर रहती ना तो अलग ही लेवल का मजा आता। वैसे यहाँ पर वापस से मैं हील करने के लिए चेक पॉइंट दिया गया है, तो अगर मैं चाहूँ तो हील कर सकता हूँ, बट मेरी जो एचपी है, ताकत है, वो फुल है यार, तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है। खैर फटाफट आगे बढ़ते हैं और अपने जवानों को वापस बचा कर लाते हैं। सो यहाँ पर देखो एक और चेक पॉइंट है, बट उससे पहले दुश्मन है सामने, तो उनसे भी पंगा लेना पड़ेगा। आजा भाई आजा, तेरी भी बारी है। वैसे गाइस म्यूजिक सुनो यार, काफी मस्त है। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ और घुसपैठिए, ये यहां क्या कर रहे हैं? अब यार यहां पर लग रहा है 1v4 क्लच होने वाला है। वैसे गाइज अगर यहां पर बंदे भी, ये लोग भी अटैक करते ना तो मजा आता, बट यहां पर ये लोग अटैक नहीं कर रहे, ये बस डिफेंड कर रहे हैं, तो शायद गेम का थोड़ा मजा ना है। वैसे शायद आगे जब हम लोग जाएंगे ना तो बंदे रश भी करेंगे हमारे ऊपर, अटैक करेंगे मतलब, ठीक है। सो यहाँ पर धीरे धीरे जो लेवल है उसका हाई होगा। वैसे आप लोग म्यूजिक का मजा लो, और काफी कुछ अभी आपको सुनने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनो क्या होता है। मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं, तो हो जाए। एक और क्या, ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है? तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? तो गाइज अभी जो ऋतिक रोशन की आवाज आई या फिर किसी और की आवाज थी, उसमें ये बोला कि तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छुपा रखा है। तो यार हमारा जो एम है वो शायद अपने आदमियों को वापस लाना है, यानी कि अपने सोल्जर्स को वापस लाना है। तो यार यहाँ पर फटाक से 1v4 क्लच करता है तुम्हारा भाई, और उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। तो भाई साहब यार ये वाला बंदा तो काफी स्टाइल में निपटा है, मतलब पत्थर पे ही लेट गया। खैर अभी और बंदे हैं और उनसे भी फाइट होने वाली है, बट यहां पर खतरा यह है कि इनके पास हथियार आने वाले हैं। धीरे धीरे लेवल हाई हो रहा है, और देखिए क्या होता है। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। Oh.
No more playing soldier. No more playing soldier. तो गाइस यार यहाँ तक तो मेरा मुकाबला हुआ था येलो ड्रेस वाले सोल्जर से, बट इस बार जो मुकाबला है वो है स्काई ब्लू वाले सोल्जर से। तो यहाँ पर इनके पास हथियार है और यार ये डैमेज भी दे रहे हैं, सो काफी सावधानी से इनके साथ लड़ना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली यार यहाँ पर शायद मेरे को लग रहा है कि मैंने जो पहला लेवल है वो पार कर लिया है। अभी मेरे पास 20 मिनट बचे हैं और 20 मिनट के अंदर मेरे जवानों को वापस बचाना है। सो क्या लगता है तुम्हारा भाई ये कर पाएगा? वैसे गाइस ये छोटी सी वीडियो थी और पहला ये मेरा गेम प्ले है फौजी मोबाइल का। अगर आपको पसंद आया तो यार एक लाइक जरूर करना। बाकी यार मिलते हैं।